हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर ऑटोमोटिव इंडिया। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये वाली होने वाली है आपके एसी डक्ट क्लीनर की कार के। ये आपकी ब्रांड है एक्स्ट्रा आर्मर, बाहर का आता है, इंपोर्टेड, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे रहता है आपका, 500 रुपये एम आर पी है, तो मान लीजिए 50-60 रुपये या 50-100 रुपये आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। जो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो 12/2023 की है, तो 18 मंथ्स दिखा रहे हैं, तो आपका ये हो गया December 24 और आपका मई अपना 25 में एक्सपायर्ड है। अभी जो ये वीडियो बन रही है, ये बन रही है अपने April 2024 में। ये वाला आपका प्रोडक्ट आता है, इसको आप देख लीजिए। कार के अंदर क्या है, आपकी जो एसी है उसमें अगर आप रेगुलर इंटरवल से फ़िल्टर चेंज नहीं करते हैं तो काफ़ी डक्ट जो डस्ट है वो आके उसमें कलेक्ट हो जाती है। उसके अलावा जब एसी आप कहते हैं सर्दी गर्मी ठंडों में उस हिसाब से यूज़ करते हैं, तो आपके एसी के डक्ट्स के अंदर क्या है, मॉइस्चर काफ़ी अपना एक तरह से आ जाता है, और जो मॉइस्चर है उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स है आपके वो बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं, और आपको जो सर्फेस है थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। बाहर से तो आपकी नेचुरली जब हवा आ रही है तो एसी फिल्टर जितना हो सकता है उनको रोक लेता है, लेकिन वो पूरा रोक नहीं पाता है, और आपके जितने माइनट पार्टिकल्स हैं वो आपके आ जाते हैं, तो इसलिए वो रहता है। ये जो इसका काम है बेसिकली उस सारे को पिघला के उसको अपना क्लीन आउट करने का, और जो आपका एक तरह से कहते हैं थोड़ी बहुत ल्यूब्रिकेशन का भी ये काम करता है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये वाला तो इसमें प्रोडक्ट आएगा, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये वाली एक सील आती है, अब शायद मेरे ख्याल से क्लियर दिख रही होगी, टेक ऑफ, ये यहाँ पे लग के आती है। अगर ये नहीं लग के आई है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ख़राब है, उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट की। डिसॉल्व्स डर्ट डिपॉजिट्स, पेनिट्रेट्स फास्ट, रिसिट्स मॉइस्चर, सेफ फॉर प्लास्टिक रबर पेंटेड मेटल सर्विसेस। ये आपके प्रिकॉशंस हैं, आउट ऑफ रीच, आई कॉन्टैक्ट, हाँ थोड़ा सा वही है, एक गाड़ी धूप में खड़ी हो तो इसको यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। काफ़ी लोग क्या है ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं करना, तो यार थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया करें आप लोग। इसमें हाउ टू यूज़ कर रखा है, यूज़ में आपको कुछ नहीं है, इसको अच्छे से आपने शेक करना है, जैसे जब भी कोई भी आप एरोसोल स्प्रे यूज़ करते हैं। ये वाली आपके साथ में पाइप आती है, अच्छी खासी लंबी पाइप है आपकी, ये अपना इसमें अटैच हो जाएगी आपके, इसमें यहाँ अटैच हो जाएगी पूरी आपकी अच्छी तरह से, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ से भी हो जाएगी अटैच। ये देखिए, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है स्पेशल, बाकी ये आपका प्रोडक्ट रहेगा। इसके लिए इन्होंने दे रखा है कार्स बसेस वैगन्स यॉट्स। तो देखिए, ये एक है ये वाला, कि मेरे ख्याल से 400 ml का होना चाहिए शायद, ये जिसमें तो पता नहीं है कहाँ, 400 ml का है। तो इसको आप चाहे तो एक बार अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, अगर मल्टीपल कार्स हैं तो दो गाड़ियों के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मान लीजिए एक गाड़ी और आपने मंगा लिया है, तो एक बार गाड़ी के अंदर यूज़ करके जो भी बच जाए ना, आप अपना YouTube पे चेक कर लीजिए, आप अपने जो घर के अंदर नॉर्मल AC लग रहा है उसको भी क्लीन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसर क्लीन करने के लिए बेसिकली होता है। तो फर्स्ट तो इसको आपको AC की डक्ट्स के अंदर डालना है आपने, उसकी मैं छोटी सी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दूसरा, जो बाहर अपना AC का कंप्रेसर होता है उसके ऊपर भी अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया है तो उस पर छिड़काव कर दीजिए, बाहर से आपको वो दिख जाएगा, उससे भी उसके अंदर काफ़ी आपका वो क्लीन हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव में जाए तो 3M का भी आता है, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा आर्मर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, और एक दो कंपनीज और आती हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ परचेज कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला। बाकी इसके बारे में कोई और आपके क्वेश्चन या जानकारी हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।